हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, और इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोगों को भी सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसका मतलब ये वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से बताया हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, और बहुत ही वीडियो छोटा होने वाला है तो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हम पिक्सआर्ट में सेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे ही यूज़ करना है, और इसे आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो एक और बैकग्राउंड में डाल दूंगा, आप लोग उस पर और इस पर दोनों पे फ़ोटो बनाइएगा और मुझे टैग कीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, सबको पता है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ। सबसे पहले रिसाइज कर लेना है, तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को सबसे पहले रिसाइज कर लेते हैं। तो 3098 इतना करके इसे छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, मैं अपने मॉडल को पहले यहाँ पे लाता हूँ। तो सबसे पहले उसे ले आते हैं। सो फ्रेंड, मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहीं पे मैं इसे यूज़ किया था। तो देखिए, इसे मैं पहले से कटआउट करके रखा था, आप लोग अपने तरफ से कटआउट कर लीजिएगा। और जिन लोगों को कटआउट करना नहीं पता है तो मैं एक नीचे वीडियो डाला हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से इसे डन कर देना है। डन करने के बाद मेरा बाल थोड़ा डाउन लग रहा है तो इसे थोड़ा हम उठा लेंगे। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे यहाँ से उठा लेंगे। तो मेरा फ़ोटो थोड़ा मैं कटआउट किया हूँ तो थोड़ा क्वालिटी घट गया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये करने के बाद आप लोगों को रेमनी कर लेना है, ठीक है। तो रेमनी के बारे में जिसको नहीं पता है, मैं नीचे भी किसी वीडियो में बताया होगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और रेमनी ऐप को डाउनलोड करके आप लोग फ़ोटो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से इतना होने के बाद इसे भी डन करते हैं, ठीक है। डन करने के बाद देखिए क्या करना है, मुझे अब PNG ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं PNG ऐड कर लेता हूँ, और उस सबका PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखते रहिए, और जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग फ़ोटो में आप लोग यूज़ कीजिएगा, उसके बाद से अपना फ़ोटो बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा भी मतलब ख़राब फ़ोटो नहीं बनाना है, एकदम आप लोगों को भी प्रोफेशनल फ़ोटो बनाना है। तो मैं यहाँ से उसे भी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये बग्गी, और यहाँ से ये, और ये, और ये, इन तीनों को यूज कर लेते हैं। तो इस वाले को क्या करना है, कुछ इतना पर रख देना है, ठीक है। और इनको यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इन लोगों को कुछ ऐसे कर देंगे और थोड़ा नीचे कर देंगे, और इसको यहाँ पे कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और इसे अब ऊपर कर लेते हैं, देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा फोटो, ठीक है। तो यहाँ से इतना होने के बाद एक और मैं एड करना भूल गया हूँ, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं बग्गी को। तो जितने भी भाई पबजी लवर हैं सब लोग फ़ोटो बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसे भी यूज़ कर लेता हूँ। तो इसे कुछ ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, और इतना होने के बाद इसे भी डन कर देते हैं। डन करने के बाद देखिए फोटो फ्रेंड, इतना होने के बाद देखिए मुझे एक और चीज़ ऐड करना है जो मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसे उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपली इस पे जाते हैं, और पबजी मोबाइल बैकग्राउंड लिखना मैं भूल गया था, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबको आप लोग यूज़ कीजिएगा अच्छे से, और मैं जहाँ यूज़ करूँगा आप लोग वहीं नहीं कीजिएगा, मतलब आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ठीक है इसे। तो कुछ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसे, हाँ। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही एडजस्ट करके अपना लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए अब कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।